हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्ट टेंस में। आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 8, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक वर्णन है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यह आपके MPPSC अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, हमने संविधान के भाग 6 तक पढ़ा। भाग 7 जो है उसे निरसित कर दिया गया है, इसलिए उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसे 7वें संशोधन 1956 के तहत हटा दिया गया है, तो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है भाग 8। अब आज हम भाग 8 के बारे में जानकारी देखेंगे। भाग 8 जो कि संघ राज्य क्षेत्र की जानकारी देता है, यानी 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 239। 239 अनुच्छेद क्या कहता है कि भारतीय संविधान संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन भी। ये क्या होता है, इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन यानी ये राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हैं, यानी इनका संबंध सीधा केंद्र से होता है। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासक की नियुक्ति करते हैं, आर्टिकल 239 में बताया गया है। 239 का क्या कहता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का गठन होता है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा व मंत्रिमंडल के शासन की बात करता है 239 का। इसमें 14वें संविधान संशोधन 1962 में पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था, और तब से इसमें बोला गया कि अब किसी भी ऐसे राज्य में विधानसभा का गठन किया जा सकता है, कि अब किसी भी राज्य में विधानसभा बनाई जा सकती है। तो ये कब से हुआ, 239 के का में 14वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है 239 का देखेंगे हम। इसमें दिल्ली के लिए विशेष उपबंध यानी कि दिल्ली NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा इसे देने के लिए बात कही गई। दिल्ली में विधानसभा व मंत्रिपरिषद के गठन की बात कही गई, और ये 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत कहा गया। इसमें दो संशोधन की बात करी गई, 69वां संविधान संशोधन 1991 और 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई, यानी दिल्ली पुडुचेरी की जो विधानसभा है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकती है। और ये हम जानते हैं कि राज्य की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जा रही है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी को चुनाव की अनुमति प्रदान करी गई। 70वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ और 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 239 का। ये क्या कहता है कि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में कुछ नियम इसमें बनाए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 239 का। ये क्या कहता है कि यदि विधानमंडल बन जाता है, विधानसभा बन जाती है, तो वहां पर शासन चालू हो जाता है। और जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक नियुक्त होते हैं, कुछ में उपराज्यपाल होते हैं, और चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मुख्य प्रशासक नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बताया गया कि अध्यादेश के बारे में बात की गई, यानी उपराज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति यहां पर प्रदान की गई 239 के खा अनुच्छेद के तहत, कि यहां भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 213 राज्यपाल के अध्यादेश की बात करता है, और आर्टिकल 239 उपराज्यपाल के अध्यादेश की बात करता है। ये तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप याद रखें, अध्यादेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 240। ये क्या कहता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी संघ शासित प्रदेश के लिए नियम कानून बना सकते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 240 में किया गया है।
नेक्स्ट आर्टिकल है 241। अनुच्छेद क्या कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि जो भी संघ राज्य क्षेत्र है वहां पर उच्च न्यायालय के गठन की बात कौन करता है, 241 अनुच्छेद। हमने पहले ही पढ़ा है कि उच्च न्यायालय का जो उपबंध है, ठीक है, वो अनुच्छेद 141 में हमने पढ़ा है, और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 241 अनुच्छेद आप याद रखें। नेक्स्ट आर्टिकल है 242 और अंतिम, इसे निरसित कर दिया गया है, सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे हटा दिया गया है, तो निरसन है 242 अनुच्छेद में। चलिए अब हम जान लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कहां पर उपराज्यपाल प्रशासक और मुख्य आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में अगर हम बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली दमन द्वीप को एक किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, अब 8 हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी बना दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने। वहीं हम दादरा नगर हवेली और दमनद्वीप की बात करें तो दादरा नगर हवेली दमनद्वीप को की राजधानी दमनद्वीप बना दी गई है, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है इसे। कब से प्रभावी है तो ये 26 जनवरी 2020 से, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कौन से उपराज्यपाल प्रशासक और मुख्य आयुक्त नियुक्त होते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर की बात करें यदि हम, यहां पर उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, और लद्दाख यहां पर उपराज्यपाल, जबकि चंडीगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी। अब बचा लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली दमनद्वीप की बात करें तो यहां पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम समझ गए कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है और कहां पर किसका प्रशासन है। संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति का प्रशासन होता है क्योंकि ये राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। तो चलिए अब हम डिटेल तो समझ गए हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ा है, हमसे कितना आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा। तो संघ राज्य का प्रशासन जो होता है वह राष्ट्रपति द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो हम जानते हैं कि संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति का प्रशासन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एकमात्र क्षेत्र का अपना न्यायालय, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या दिल्ली। तो हम जानते हैं उच्च न्यायालय की बात अनुच्छेद 240 में कही गई है कि केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि दिल्ली एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है जहाँ पर अपना उच्च न्यायालय है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को हम जानते हैं उपराज्यपाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं चंडीगढ़ एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है अकेला जहां पर मुख्य आयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या दिल्ली। तो दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी की बात करें, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, जबकि लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली की बात करें तो यहाँ पर प्रशासक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या सभी। तो हम जानते हैं
उपराज्यपाल दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पे सभी होगा, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति प्रदान की गई है? तो हम देखते हैं, दिल्ली की बात करें तो ये 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यहाँ पर विधानसभा मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति प्रदान की गई, जबकि 69वें संविधान संशोधन 1951 में पुडुचेरी को बताया गया कि यहाँ पर विधानसभा गठित होगी, यानी तब से सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के गठन के लिए प्रावधान लागू हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, ये थे भाग 8। भाग 8 में हमने इम्पोर्टेंट डिटेल पढ़ी, एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझा और क्वेश्चंस लगाए। तो ऐसे चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।